हेलो एवरीवन, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम फिजिक्स कॉल्ड मोशन। यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे मोशन क्या होता है, मोशन को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है और व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन। सो सबसे पहले हम बात करें मोशन क्या होता है। मोशन कैन बी डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स द मोमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज इट्स मोशन। अब मोमेंट हो रहा है दैट मीन्स पोजिशन भी चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स वेन एवर एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम बोलेंगे मोशन। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे आ सकता है द बर्ड्स आर फ्लाइंग, द फिश स्विम्स, या फिर ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज। दीज ऑल आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन। अगर हम डे टू डे एक्टिविटी की बात करते हैं तो हम मोशन का एग्जाम्पल अच्छी तरह से दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से निकलते हैं और स्कूल की तरफ रश करते हैं, तो घर हो जाएगा आपका इनिशियल पोजीशन और स्कूल हो जाएगा फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर यू आर मूविंग, दैट मीन्स यू आर इन मूवमेंट। सो दिस काइंड ऑफ टर्म्स आर कॉल्ड एज मोशन। अब मोशन है तो उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, एंड टू डिस्क्राइब वेदर देर इज अ मोशन और नॉट वी नीड अ टर्म कॉल्ड एज ओरिजिन। क्या होता है ओरिजिन? द रेफरेंस पॉइंट यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिस्क्राइब करेगा मोशन को, उसको हम बोलेंगे ओरिजिन। नाउ अगर ये ओरिजिन है और ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ऑब्जेक्ट किस तरह से मोशन में हो सकता है? सो सब सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स में मूव इज अ स्ट्रेट लाइन, सम में मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ, सम ऑफ देम में रोटेट और सम ऑफ देम में वाइब्रेट। और हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, दैट मीन्स द मोशंस कैन हैव डिफरेंट टाइप्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स दैट मूव इन अ, दैट इज मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है ये? इट इज कॉल्ड एज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। वाई सिंपलेस्ट टाइप? बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड वी आर मूविंग ऑन अ लीनियर स्केल, दैट इज वाई यू कैन कॉल इट एज अ सिंपल टाइप ऑफ मोशन। जैसे कि अगर हम कंसिडर करते हैं एक स्केल दिया हुआ है, इसके ऊपर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बाद में डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं सी बी और ए, और एक्स एक्सिस का पैरामीटर दिया है किलोमीटर में, जो कि 0 से लेकर 60 किलोमीटर तक है, वो को हम कंसिडर करेंगे ओरिजिन। ये हो जाएगा हमारा रेफरेंस पॉइंट। बाद में हम नेक्स्ट टर्म को भी ले सकते हैं, यानी कि ए बी सी विच रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, सो एज्यूम करेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ओ टू सी कॉमा बी एंड देन इट रीचेस टू ए, यानी कि जो पूरा डिस्टेंस हम कवर करने वाले हैं वो है ओ से लेके सी, सी से लेके बी, बी से लेके ए, एंड देन इट मूव्स बैक एंड अगेन इट रीचेस टू सी। तो इस टोटल जर्नी में जो पाथ लेंथ कवर हुआ है वो हो जाएगा टोटल लेंथ कवर इज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ ओ टू ए प्लस ए टू सी। ना ओ टू ए का अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो वो है अराउंड 60 किलोमीटर का, और ए से लेके सी तक का डिस्टेंस है 35 किलोमीटर का, तो इसका एडिशन आ जाएगा 95 किलोमीटर। सो दैट इज द टोटल लेंथ कवर विल बी 95 किलोमीटर। ये टोटल लेंथ कवर है तो इसको हम डिफाइन करेंगे एक टर्म से, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस? इट इज द पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स वट एवर द लेंथ दैट वी आर कवरिंग इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस। इसको हम मेजर करेंगे मीटर या फिर किलोमीटर में, एंड इट हैज़ ओनली द मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो इसका खाली न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा। जैसे कि ओ टू ए का डिस्टेंस 60 है, ए टू सी का है 35, दैट मीन्स इट हैज़ ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, देयरफॉर हम इसको बोल सकते हैं इसका है खाली मैग्नीट्यूड और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब फिजिक्स में या फिर कोई भी टर्म में हमारे पास दो टाइप्स के क्वांटिटी होते हैं, एक तो स्केलर या फिर वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इज वन विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, और उसका रिवर्स वेक्टर क्वांटिटी अगर हम डिफाइन करेंगे, द क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर एक टर्म हमने डिफाइन किया उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। अब देखो यही एग्जाम्पल को अगर हम डिफरेंट फॉर्म में देखते हैं, दैट आर इनिशियल पोजिशन इज ओ और हम बैक आ रहे सी की तरफ, यानी कि आर इनिशियल पोजिशन ओ है और फाइनल पोजिशन है सी। तो ओ के सी में जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कितना आ जाएगा? नियरली 25, कॉल एज डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि वही एग्जाम्पल को अगर हम देखते हैं विद अनदर स्कीमेटिक, आप देख सकते हैं
हम ए से लेके बी तक जाने वाले हैं. सो एज पर डिस्टेंस इज कंसिडर आई कैन गो फ्रॉम ए टू सी, सी टू डी एंड डी टू बी. But the shortest distance is going to be in this direction, which we will call displacement. So we have two terms, one is a distance and one is displacement. Now displacement is, so definitely it has two values. One is magnitude bhi hai, aur vector direction. Hum usko bol sakte. Therefore it is called as a vector quantity, because in which direction we are moving, it is going to be important term. Let us take one example based on same. The magnitude of displacement from O to A and from A to B is around 35 km. आप देख सकते हैं starting location O है और final position है B. तो इसमें से जो difference आ जाएगा वो आ जाएगा 35 km. अगर मैं distance का बात करता हूँ तो ये हो जाएगा O से लेके A तक का distance है 60 km का और A से लेके B तक का distance है 25 km का. 60 minus 35 will be 25. So the total distance will be around 85 km. So displacement is 35 km and distance is 85 km. So based on that, shall we conclude one thing? Distance and displacement cannot be same. This is an important point. They are differentiate between distance and displacement. वैसे ही अगर हम displacement का बात करते हैं, starting location O है, O से लेके A तक का distance है हमारा 60 km का. अगर मैं A से लेके O तक का distance दिखता हूँ तो आ जाएगा minus 60 km का. ये कैसा होता है? O से लेके A the movement is towards right side और right side का जो movement होता है उसको हम positive लेंगे, whereas A से लेके O तक का जो movement है वो left side का है उसको हम लेंगे negative sign से, minus 60 km. तो इस पूरे journey में जो displacement आ जाएगा वो आ जाएगा 60 minus 60, that is going to be 0. अगर ये 0 है तो हर एक और एक point हम include कर सकते हैं, and that is displacement can be 0. Two important point are there, distance and displacement will not be same and displacement can be zero. अब इस बिहाव हम differentiate करेंगे distance और displacement को. क्या है distance? It is the length covered by an object. तो displacement है, it is the shortest distance between initial and final position of object. Distance is a scalar quantity, तो displacement एक vector quantity. Distance cannot be zero, displacement can be zero. So this is how one can differentiate between distance and displacement. नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ मोशन. अब किस रेट से हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसे हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा. इसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड. क्या होता है स्पीड? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. यानी कि कितना डिस्टेंस कितने समय में कवर कर रहा है उसको हम बोलेंगे स्पीड. मैथमेटिकली हम उसको लिख सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम टेकन. So the ratio of distance travelled per unit time taken, उसको हम बोलेंगे speed. इसका unit होता है meter per second, kilometer per hour और centimeter per second. Speed will have magnitude only. That means it will have only the numerical value. It doesn't have any direction. जैसे कि हम bike पे जाते समय speedometer होता है, उसमें हम देखते हैं कि हमारा speed around 10 kilometer per hour है, 20, 30 like this one. तो वो direction नहीं दिखाता, वो खाली क्या दिखाता है? It only shows the magnitude. So it has a magnitude only. अगर हम एवरेज स्पीड का बात करते हैं तो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम टेकन. ये एवरेज स्पीड क्या होता है? एज्यूम कीजिए आपका जो जर्नी है वो 4 आवर्स का है, तो इन 4 आवर्स में आपका स्पीड कांस्टेंट नहीं रह सकता. फॉर एग्जांपल फर्स्ट आवर में आपका स्पीड 10 किलोमीटर का है, नेक्स्ट में 20 किलोमीटर पर आवर का है, नेक्स्ट 30 और 40. यानी कि आप 4 आवर्स में 10 + 20 + 30 + 40 इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. तो जो एवरेज स्पीड आ जाएगा वो आ जाएगा आपने कितने डिस्टेंस कवर किया है और कितना टाइम लगा है. दैट टर्म इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड. सो स्पीड इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर दैट डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन. अब स्पीड डायरेक्शन के साथ है, तो दैट टर्म अराइजेस अ स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. क्या होता है वेलोसिटी? इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डिफिनाइट direction. That means in which direction we are moving, that defines its velocity. Iska unit hota hai meter per second. Mathematically hum isko likh sakte hai, that is nothing but the distance covered in a specific direction per unit time taken. Ab iska do values aa jayega, magnitude as well as direction. Therefore velocity becomes a vector quantity. Ab average velocity ka baat karte hai. Kya hota hai average velocity? Whenever an object is in motion, definitely it will have initial velocity as well as final velocity. So average velocity ho jayega addition of initial plus final divided by 2. That term hum define karenge u plus v divided by 2 ke form mein, where u